एमडी हिंदी टेक में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो एलईडी फ्लड लाइट के विषय में है। दोस्तों मैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब की तरफ से आपको मैसेज पहुँच जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सो इसे दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछला वीडियो जो दोस्त मेरा था वो एलईडी फ्लड लाइट था जो 300-400 वाट का था, और मैं जैसा आपको मैं बोला था कि मैं उसके आगे का एलईडी लाइट जो है फ्लड लाइट जो 300 वाट का मेरे पास है मैं उसको अपलोड करूँगा आपके सामने। देखिए वो फिर मैं लेके आया हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों। बैक्स पॉलिस से ओपन है, फिर मैं इसे खोल के देख चुका हूँ। देखिए ये है एलईडी फ्लड लाइट जो दोस्तों 300 वाट की हैं। जो 400 वाट की थी एलईडी फ्लड लाइट वो थोड़ी छोटी है दिखने में, ये थोड़ी बड़ी है। बॉक्स किधर करते हैं देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हूँ देखा आपको। प्रोजेक्ट लैम्प पावर है 300 वाट का, पहले मैं बता चुका हूँ, और टेम्परेचर है 6000 वाट से लेके 6500 किलो वाट। वोल्टेज खींचेगा एसी का ये 165 से 265 वाट खींचेगा ये वोल्टेज। और सामने का इसका लुक देख लीजिए दोस्तों, सामने की ये है इसके एलईडी, इसका फ्रंट पैनल 300 वाट और IP66 का प्रोटेक्शन लगा हुआ, इस पर शीशे की लगी हुई है। देख लीजिए इसकी एलईडी, देख लीजिए इसकी पूरा पास से, पूरा इसका देख लीजिए इसका फ्रंट। अब दोस्तों इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको जो एलईडी 400 वाट की थी, इसको मैंने पीछे का बैक पैनल को दिखाया था, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं उसको मैं दिखाया था। इसको मैं पीछे में खोल दिखाता हूँ उसके पीछे क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। इसके ये ढक्कन खोलना पड़ेगा हमको, ये इसको मैं खोल कर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों मैं इसका सारे पेज खोल चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो लगे हुए हैं पार्ट्स। देखिए जिससे ढक्कन पूरा निकल पाया कि ये डॉक्टर जो लगे हुए हैं, ये पूरा चपके हुए हैं इसे, पर ढक्कन नहीं पूरा खोल पा रहा है। पर दोस्तों आप यहीं से देख लीजिए, इसमें लगे हुए हैं चार डॉक्टर, एक दो दो लास्ट में लगे हुए हैं। ये जो एलईडी का पैनल है चार भागों में बटा हुआ है और चारों के ये चार एडाप्टर पावर दे रहे हैं, क्योंकि एलईडी आप ब्रेक लाइन से करंट से नहीं चला सकते हैं, वो तो आपका उड़ जाएगी, इसलिए एडाप्टर्स दिया जाता है सब पावर सप्लाई कि वो उसके वोल्टेज को कंट्रोल करके जितनी मात्रा में उसको चाहिए वोल्टेज उसको दे सके। देखिए ये चार एडाप्टर लगे हुए हैं, ये दो तार, ये दोनों जो आपका ब्लू और रेड हैं ये यूज में है, ये दिया हुआ है टेम्पोरी, अगर ये दोनों तार में कोई तार खराब होता है तो उसको आप जोड़ कर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस कुछ में कोई खास पार्ट लगे नहीं हुए हैं, बस एडाप्टर लगे हुए हैं। जैसे आपका 400 वाट लगे हुए थे उसमें 3 एडाप्टर लगे हुए थे, इसमें 4 लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं तो आपको YouTube की तरफ से मैसेज पहुंच जाए कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। ओके गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मेरा हो सकता है स्टूडियो मास्टर 6 किलोवाट का मॉस्फेट।